व्यू एक ही तरह का है कि सबसे पहले देखिए इस न्यायपालिका की और जो इस संविधान पीठ जो सुनवाई करती है और ये जो न्यायालय के जो जजमेंट आते हैं, निर्णय आते हैं, कितनी खूबसूरती की बात है। देखिए उस समय की परिस्थितियां, परिवेश, आवश्यकताएं, भाई देखिए उस जजमेंट जो आए उसमें 8 जजेज को 6 जजेज किए और उस जजमेंट में एमपी शर्मा और खड़क सिंह वाले केस में क्या था कि इन्फॉर्मेशन लेना, छापेमारी करना, उस सब का रिवेज में कहा गया कि वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब जो हमारा जैसे जैसे प्रवाह, सभ्यता का प्रवाह, ग्लोबल जो आपकी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जो आपका सिनेरियो बदल रहा है, उन सब के परिवेश में मैं कहना चाहूंगा कि दो ऐसे छोटे जो खंडपीठ के जो जजमेंट थे जी, यानी 3 जजेस की डिवीजन बेंच की वो और वो छोटे खंडपीठ के जो जजमेंट थे वो देखिए आज अप्रूव हो रहे हैं जी सारे एक सम्मत से। इसमें हो सकता है, देखिए अभी कल ही एक जजमेंट आया जिसमें 5 जजेस में 3 जजेस ने एक तरफ हो गए और माननीय मुख्य न्यायाधिपति जो उनके जजमेंट अलग हो गए। सारे जजेस अपना चिंतन मनन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और कानून की परिधि में हो गए, संविधान के जो हमारे अनुच्छेद हैं उसका विश्लेषण करते हैं जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि देखिये एक मौलिक अधिकार, मैं ये देखिए देशवासियों श्रोताओं से कहना चाहूंगा आपको अधिकार तो मिल गए लेकिन उसी संविधान में चूंकि देखे पार्ट 4A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताई गई हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कोर्ट में आप एनफोर्स नहीं करते लेकिन आप कोई ड्यूटी निर्वहन नहीं करेंगे। आप उससे ज्यादा ये आवश्यक है हर प्रदेश के लिए, हर नागरिक के लिए कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अधिकार तो आएंगे, अधिकार तो आप आ गए हैं, आपको कोई मार नहीं सकता। एक बार पैदा हो गए आपको मारना नहीं है, कोई मार नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है कि जो अनुच्छेद 19 में आपको अधिकार दिए गए वो स्वच्छंद नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। वो आज के परिवेश में उसके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज आप कह रहे हैं निजता का अधिकार, मैं कहना चाहूंगा देखिए शेरो शायरी है, वशर राजे दिली कह के जलीलो खार होते हैं, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होते हैं। कहते मतलब हर इंसान का एक रहस्य है, एक विचार है, कोई चीज छुपी हुई चीज है, रहस्य है, उसको वो कहीं निकालना नहीं चाहता। उसी तरह जैसे फूल की जब खुशबू निकल गई तो बेकार था। हर व्यक्ति का, इंसान का एक अवधारणा है, रहस्य है, एक इन्फॉर्मेशन है, उसे आप नहीं निकलवा सकते। हम किसी को लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं तो बहुत सारे देखिए ये निजता जो ऐसी चीज है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बड़ी व्यापक है जी। जो चीज हम परिधि में कानून के जहां हम संसर्ग में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल आपकी व्यक्तिगत निजी है, देखिए धर्म की आस्था की बात जहां फंडामेंटल में उद्देशिका में प्रेम बिल में कहा गया है, वो तो एब्सोल्युटली देखिए वो कहा गया है कि आपकी पूजा करने की पद्धति या उदाहरण वो जो आपका आस्था और ये सारी चीज वो आपका स्वतंत्र है आप उसमें रखने के लिए जी। तो देखिए फंडामेंटल राइट तो कह दिया उन्होंने हाँ। लेकिन अभी बहुत सारे चीजें इसमें अछूते रह गए जी। हमारा देश कैसे चलेगा।